और किसका घर है वो मिस्टर शर्मा का घर है और मिस्टर शर्मा और उनकी फ़ैमिली कहाँ गए थे वेडिंग पे गए थे शादी में गए थे व्हेन दे केम बैक अराउंड मिडनाइट नाइट दियर हाउस वाज इन अ मेस मेनी थिंग्स हैड थिंगस हैिन जब वो वापस आधी रात में लौट के आए तो उनका घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था और बहुत सी चीज़ें चोरी हो गई थी मिस्टर शर्मा कॉल द पुलिस द पुलिस सर्च द होल हाउस फॉर क्लूज दे फाउंड सम फुटप्रिंट्स इन द गार्डन देयर वॉज अ शू नियर द गार्डन वॉल इट मस्ट हैव कम ऑफ़ वइल् समवन वन वाइम्बिंग ओवर द वॉल इसके बाद मिस्टर शर्मा पुलिस को बुलाते हैं पुलिस पूरा घर की तलाशी लेती है उसको कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं गार्डन के पास और गार्डन की दीवाल के पास एक शूज़ मिलता है और वो समझ जाते हैं कि ये पक्का उसी चोर का है जो कि इधर से चढ़ कर के कूदा है दीवाल से बेला इंस्पेक्टर बेला मिंज आज द पीपल इन द नेबरहुड इफ़ दे हैड सीन एनी एन वन सस्पिशियस डैट नाइट इसके बाद बेला मिंज इंस्पेक्टर जो होते हैं वो मतलब अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं सभी से कि, कि किसी ने किसी अनजान व्यक्ति को देखा है तो मिस्टर हुसैन बताते हैं कि अगले ही दरवाजे पे जिनका घर है मिस्टर हुसैन का अगला घर उन्हीं का है तो वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी थी शोर सुना था उस रात को और फिर उन्होंने किसी को विंडो से देखा था कि एक आदमी जो है वो क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल गार्डन वॉल पे चढ़ करके आई कॉल्ड बट जैसे वो इतना बोलता है बट डिड यू सी हिम प्रॉपरली वैसे ही पुलिस पूछते क्या तुमने उसको देखा था वो कैसा दिखता था वो बोला वेल well, वहाँ पे बहुत अंधेरा था इट वॉज डार्क एंड आई कुडेंट सी वेरी वेल बट आई एम श्योर इट वॉज़ अ मैन वो बोलते हैं हाँ मैंने बहुत अंधेरा था मैंने देखा तो नहीं लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक आदमी था वो लंबा था पतला था मिस्टर हुसैन ये बताते हैं देन द पुलिस क्वेश्चन मिस्टर जगन शॉप स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ द रोड ही कुड सी द शर्माज हाउस फ्रॉम हिज शॉप उसके बाद मिस्टर जगन से वो पूछते हैं जिनकी शॉप है वहीं कॉर्नर पर रोड पर और वहाँ से शर्मा जी का घर आराम से दिखता है तो जगन बताता है कि आयशा अ मैन वॉकिंग वेरी फास्ट ही केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हाउस ही वॉज होल्डिंग अ बैक क्लोज टू हिज चेस्ट आई फेल्ट सच पीसेस आई शाउटेड एट हिम टू स्टॉप बट ही रैन अवे वो देखता है कि कोई आदमी बहुत तेजी से चलता हुआ आ रहा है उसी डायरेक्शन में घर की डायरेक्शन से आ रहा था और उसने एक बैग अपने चेस्ट के पास एकदम कस के पकड़ के रखा होता है उसको लगता है कि ये कोई अनजान व्यक्ति है तो वो उस पर वो उसको बुलाता है चिल्लाता है तब तक में वो दौड़ के भाग जाता है वॉट डिड ही लुक लाइक आज द इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बोलता है वो कैसा दिखता था तो वो बताता है कि वो छोटा सा था पतला सा था और वो थोड़ा डरा हुआ था और उसने ब्लैक ट्राउज़र पहना था और ब्लू शर्ट और उसके हेयर कर लिए थे तो मिस्टर शर्मा देन टोल्ड द पुलिस दैट मिस्टर समीर कुमार द आइसक्रीम वेंडर एट द एंड ऑफ द रोड माइट नो समथिंग ही सोल्ड आइसक्रीम टिल लेट नाइट इसके बाद मिस्टर शर्मा बताते हैं कि वहाँ पे एक आइसक्रीम वेंडर है आइसक्रीम की दुकान लगाता है एक जिसका नाम है मिस्टर समीर कुमार वो आधी रात तक वहाँ आइसक्रीम बेचता है तो हो सकता है उसे कुछ हो तो द आइसक्रीम वेंडर बताता है कि येस आई सास्पिशियस इट वॉज इलेवन पी एम बोलता है हाँ मैंने किसी अनजान व्यक्ति को देखा था और वो ग्यारह बजे के आसपास था ही वॉज़ अ बैल्ड मैन वो बैल्ड मैन था और उसके दाढ़ी मूँचे थी विद अ मॉस्टिक उसके मूँछे भी थी ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट वो बहुत तेज़ चल रहा था ही कैप्ट वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और आई एम श्योर ही वॉज़ वन ऑफ हु ब्रोक इन टू द हाउस मुझे पक्का पता है उसी ने घर में घुसकर ये किया है मिस्टर मनी एंड हिज फैमिली हु लिव्ड टू हाउसेज़ अवे फ्रॉम द शर्मा सेड डैट दे हैड कम लेट आफ्टर अ मूवी एज दे रीच देयर हाउस दे सॉ टू यंग मेन ऑन अ मोटरसाइकिल ड्राइविंग पास्ट रेकलेसली इसके बाद मिस्टर मनी और उनकी फ़ैमिली बताती है क्योंकि वो मूवी देख कर के आ रहे होते तो वो देखते हैं कि दो मैन थे वो बाइक पे बहुत रिस्की तरीके से बाइक मतलब चला रहे थे बहुत तेज़ी में और वहाँ से जा रहे होते हैं दे वर इना हरी टू गेट अवे मिस्टर सेड मिसिज मनी वो बहुत जल्दी में थे वहाँ से ऐसा मनी बताते हैं वाई डू यू थिंक सो आज बेलामिज बेलामिज बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा दे लुकड अन इजी शी सैड वो बोलते हैं कि वो मतलब कम्फर्टेबल नहीं थे वो बहुत ही हड़बड़ी में लग रहे हुए थे और वो फिर इंस्पेक्टर बोलते क्या तुम तो उनके फेसेस देखे थे तो बोला था कि नहीं वहाँ अंधेरा था थोड़ा धुंध था तो मैंने उनके देखा नहीं बट उनके बाल लंबे थे और उनमें से एक की दाढ़ी थी सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस राउंड ऑफ फाइव मैन अप मैच द डिस्क्रिप्शन गिवेन बाय ऑल द विटनेसेस इसके बाद पुलिस ने पांच व्यक्ति को खड़ा किया जैसा भी सभी ने बताया था उन, उन सबके हिसाब से फिर इंस्पेक्टर बेला मिंच तुरंत फाइव सस्पेक्ट्स को बुलाते हैं रूम में और उनसे अलग अलग एक एक करके बुलाते हैं और उन सभी से डिटेल में क्वेश्चन क्वेश्चनिंग करते हैं अंत में दिन के पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जिसका नाम था गट्टू आप गैस कर सकते हैं कैन यू गैस वाई उन्होंने पूछा आप गैस करते हैं कि गैस कर सकते हैं कि क्यों तो इंस्पेक्टर बेला मिंच सभी सस्पेक्ट से जो पूछताछ कर रहे थे और जो गार्डन के पास शू मिला था वो सभी को पहनाते हैं और वो गट्टू को एकदम फिट आता है और उसके शॉर्ट वो शॉर्ट था मतलब उसके वो पतला दुबला आदमी था उसके करली हेयर थे एकदम परफेक्टली जैसा बताया गया था सो शी न्यू डैट ही वॉज द वन वो समझ गया कि यही है वो चोर थैंक यू क्लास